अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं जिस मूवी का ट्रेलर, उसका नाम है खेल खेल में। सो इसकी बहुत दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि हम इसका ट्रेलर ज़रूर देखें। ये न्यू मूवी आई है जिसका टाइटल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये युद्ध के ऊपर बनाई गई है। सो इस मूवी में है सजल अली और बिलाल अब्बास। और इसका एक गाना भी आ चुका है, ट्रेलर तो अभी हाल ही में आया है, लेकिन गाना और ट्रेलर हम दोनों ही देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेलर, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बिल्कुल, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हारा देश टूट गया है, अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। As we all know, the competition is in Dhaka. We should do a play on 1971, Dhaka Fall. बिला वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं है। This is how a youth is trying to be different and creative by being controversial. अली सफर। शायद वही। हाँ। आजाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। इन बात का कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। I'm strong, I can do this. किसका आइडिया था ये? Students should pay for their non-seriousness. तुम लोग का आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ढाका? आप लोगों को शायद इसकी आदत ना हो, मगर यहाँ पर सब मिलकर ही रहता है। यार ये जो मिस पाकिस्तान है बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है, अचानक से गायब हो जाती है। मुझे अटके पूरे पाकिस्तानियों से मिलना है। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान, फिर जंग छिड़ गई। इन 50 साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल बनाए, पर वो जीते जागते लोग जो आज भी कोलैटरल डैमेज है उनका कोई जिक्र ही नहीं। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग, तुम कहां जाती हो सबसे चुपकर? It's not going to be an easy trip. पता है क्या रंग लाई है वो लड़ाई जिसका बीज तुमने बोया था? और फसल आज तक वो इनोसेंट लोग काट रहे हैं जो तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की खेल तलाशियां दोनों। एक गलती हुई किसी से भी मांग लेते हैं माफियां दोनों। खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त। सोचा नहीं था कि ट्रेलर में ऐसा एग्जैजरेटिंग कुछ होगा। हाँ, मैंने मुझे इसका पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कॉलेज लाइफ और यूथ के ऊपर बनाई गई है। होती है, मतलब जो यूथ के ड्रामास होते हैं उनकी यंग एज में जो भी चीज़ें करते हैं मे बी उसके ऊपर बेस्ड हो, लेकिन इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है मे बी ऐसा कुछ होगा। जो एक स्टेज प्ले है, स्टेज प्ले और अकॉर्डिंग ही वो वाली स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो ट्रू इवेंट पे बेस्ड होगी, कॉन्फ्लिक्ट वाली है, बहुत ही ट्रू इवेंट्स उसमें दिखाए गए हैं और बांग्लादेश के जो हाँ जो कंडीशंस रही होंगी बांग्लादेश के साथ, जो उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि अब तुम पाकिस्तान में नहीं हो, अब तुम बांग्लादेश में हो, तो जो ट्रेलर में हमने देखा वही देखने के, वो बाद में पता चलेगा जब हम डिटेल में देखेंगे इसके। और भी अगर अगर हम सॉन्ग देखें या फिर और इस मूवी को डिटेल में अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली दिखाया गया है। वरना तो अभी तो सिर्फ हम इसको छोटे से क्लिप में बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें बांग्लादेश के जो कॉन्फ्लिक्ट होंगी, फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बारे में दिखाया गया है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो मुझे। हाँ, वीडियो पूरी मूवी जो है ये सब कुछ इसमें जितना भी कुछ दिखाया जाएगा वो उसमें ये बेसिकली ये दिखाने का पॉइंट होगा कि आखिर वो चीज़ हुई क्यों और अब हम क्या कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए। हाँ। क्योंकि वो जो होना था उसको तो कोई नहीं टाल सकता अब, लेकिन उसको सुधारा कैसे जा सकता है उसके ऊपर ही मूवी बेस्ड होगी। बिल्कुल, सो ये था इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो कि आ चुका है और बहुत ही जल्द हमें ये देखने के लिए भी मिल जाएगा। आई होप हम देखें ज़रूर इसको और बहुत कुछ नया देखने के लिए भी मिले। अब हम इसका सॉन्ग भी ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है। हो सकता है थोड़ी बहुत स्टोरी भी एक्सप्लेन एज यूजुअल जैसे OSTs में हो जाती है तो इसके सॉन्ग में भी हो जाए, तो वो भी हम ज़रूर देखेंगे और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।